छोटू राम के कर्ण मनो, अरे भोले किसान अपने आप को पहचान। पहले सरकारें किसकी थी, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी? पर मेरी एक गुजारिश है किसान भाइयों से, बजाय वो चुंगल में फंसने के, नॉट ओनली माई थॉट, मैं तो कार्रवाई में विश्वास रखता हूँ। ये क्या बात कह दी? अबे भूल जा अफसरों के खिलाफ ना बोलियो, अफसर हमारे कमाऊ बेटे हैं। ये क्या बात कह दी? ये क्या है? आज देश का नौकर मालिक बन के बैठा 20,000 की कुर्सी पे मटके और पीछा तोड़ लिया, लटका लिया। ये क्या है? What is this? हो क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? ये क्या है? ये है देश प्रेम की भावना। आर्थिक अभी मेरे कहाँ पर गए? हो लैबिंग उठा टेक 1,000 का क्या 2,000 और ला दी, कितने बन गए? ये क्या है? अब तो ब्रैकेट में लिखो 1,50,000। लेकिन तेरा पीछा तेरा ओका तेरी मरोड पी पी नहीं सारे तर कदे फोड़। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय छोटू राम चौक पर हम मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ हैं भारती पेंटर जी, जिनको सभी आप जानते भी होंगे, जो शहर में आपको रंग बिरंगे कपड़ों के साथ घूमते हुए नज़र आते हुए होंगे और बहुत मस्त मोला अंदाज में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जो है अपने तरीके से ये जीवन जीते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। ये कहीं पर भी गंदगी इनको दिखती है तो वहाँ पर झाड़ू भी लगाते हैं। भारती पेंटर वो शख्स हैं जो कभी अपने हाथों से पेंटिंग बनाते थे, हालांकि आज भी बनाते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर का दौर नहीं था जब ये पेंटिंग बनाते तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। नेता अभिनेताओं की ये तस्वीर बनाते थे हाथों के साथ और बहुत प्रमुखता से इनको जाना जाता था, शहर ही नहीं शहर से बाहर भी इनको जाना जाता था। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पर कि लगातार किसान कितने महीनों से 3 कृषि जो बिल है उनको रद्द करवाने के लिए बैठा हुआ है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे भारती जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कि जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं ना, वो नीतियाँ तो अच्छी बनाई जाती हैं, आगे डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर तो इसको वो लाइक करते हैं कि नहीं करते। अब चाहे भले में उनके फेवर में है सारी बातें, लेकिन हमारा देश जो है ये प्रजातंत्र देश है जी। और पब्लिक अगर अपना भला नहीं चाहती तो उनकी मर्जी है भाई। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा और हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसा वो ना कार्य करें जिससे आने वाले समय में उनकी नीयत खराब हो और उसका खमियाजा भुगतना पड़े जी। कोई भी नीति गलत नहीं बनाई जाती कभी भी, आगे डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक आप, मैंने कई दफ़ा सुना है, बहन कविता जी भी कई दफ़ा बड़ो अच्छा बोली हैं, कविता जैन जी, कि जब तक तो पब्लिक ना साथ दे ना, जब पब्लिक साथ नहीं देती तो सरकार का कर्तव्य क्या बनता जी। भारती जी, आजकल किसानों और जो सरकार के जो नेता है, चाहे वो JJP के हो चाहे वो BJP के हो, लगातार खाई बढ़ती जा रही है। कहीं भी BJP नेता या JJP नेता जा रहे हैं तो किसान उसका विरोध करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनकी इमेज डे बाई डे खराब हो रही है और कुर्बानियाँ कभी खराब नहीं जाती, हमेशा सेक्रीफाइस जो है वो रंग लाती है। वो ठीक है कि वो गलत हैं या ठीक हैं, वो दैट इज़ सेपरेट थिंग, लेकिन हमारा देश जो है जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है इंग्लिश में कहते हैं। कोई भी देश जब प्रजातंत्र देश जो होता है ना, वो डिपेंड पब्लिक पे जी। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था यहाँ जाओ कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। हमारी देश डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, अब लीडरों की मर्जी है, हुकूमत उनके हाथ में है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। मैं तो ये समझता हूँ कि देखो पब्लिक अगर नाराज़ होगी ना तो उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो आजकल जो सिस्टम बना हुआ है भारती पेंटर जी, आपको नहीं लगता कि सिस्टम आजकल उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल भी 5% भी करप्शन नहीं कम हुई,
ये बहन है उनका, तब तक एक एक करप्ट आदमी को बर्खास्त नहीं किया जाता, टर्मिनेट नहीं किया जाता ना, तब तक सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कांडे सारे कांग्रेस ने बीजे रखे हैं। सत्ता कितने साल राज किया, ये जो पैदा हुई हैं बातें करप्शन की, ये दो ये ईद नहीं पैदा हुई, पहले सरकारें किसकी थी, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी? आज वो टांगे खींचते हैं मौजूदा सरकार की, तो इनकी जिम्मेवारी है, तो ये कांडे बीजे किसने, क्या उनका फर्ज नहीं था? उन्होंने करप्शन को बढ़ावा क्यों दिया? पीवी नरसिम्हा राय कांड हुआ उनके टाइम में, बफोस में कमीशनें खाई गई, आप क्या बात करते हैं? आज वो देश के रखवाले बनते हैं, आज वो देश के खैरखा बनते हैं, किस मुँह से? सिर्फ कुर्सी के लिए? अरे इतने खैरखा होते हैं, कोई भी चीज़ है ना, मुल्क को देखना है ना, तो उसका नतीजा देखो, और रिजल्ट क्या कहता है। किसी बच्चे का वजीफा आता है ना, तो उसने हार्ड वर्क किया। कृषि बिल जो 3 लागू किए गए हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो 3 मेरे को उसके बारे में डिटेल तो पता नहीं लगी जी, अगर डिटेल पता लग जाए तो मैं उस पर मनन करूँ। मेरी एक गुजारिश है किसान भाइयों से जी, बजाय वो चुंगल में फंसने के जी, कमीशन एजेंटों के जी, काश के वो अपना सारा पैसा बैंक में खाता खुलवा के जमा करा। लेकिन वो कहते हैं कि भी आरती तो हमारा आधी रात का कहना है। क्या ATM पे जाके CTM काट ले पैसे, ये क्या बात कह दी आरती के? एक तो पैसा तुम्हारा एक भिखारियों की तरह था, मांगते फिर आरतियाँ पे, पीछे आरतियाँ का भी है उंगली, आरती ब्याज लेता है आरती का। मैं मेरे गाँव पे गए, कमाई तो ब्याज की है, अरबा कट्टा अरबा मैस पलेदारों के द्वारा हेरा फेरी, साल बाद दूसरी दुकान कैसे खुल गई? कमीशन में नहीं खुलती 2%, ये सब मिली भगत है, नुक्स है सिस्टम में, कटाक्ष नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं आरतियों का दुश्मन नहीं, जायज 2% कमीशन जो आपका हक है। और इस समय छोटू राम जी की प्रतिमा के सामने हम खड़े हैं, छोटू राम का कहना मानो, अगर ये आरती इतने भलड़े होते तो कहना इनके बइया मंगा के उन्होंने आग ला दी, छिकम छिकम 96 ब्याज के 102, अरे भूतना छिकम छिकम तो 36 हो गए। किसान भोला था, अनपढ़ता की वजह से उसको लूटा जाता था, आज भी किसान क्यों चिल्लाता है? अरे क्या करेगा पीछे, आज ही खाद लूँगा तेरे खाद दबा दूँ, वहाँ कमीशन है उसकी आरती की, आधे कट्टे निकले आधी असली। किसान का भाई यू के अरबा का भाई यू, अगर नकली होंगे यू अबू उतनी के, जहाँ नकली है वहाँ नहीं फसल उगी, जहाँ असली है वहाँ उगी, फिर फुद्दू बना हुआ किसान का, तेल में लूट लिए, पेस्टिसाइड में लूट लिए। एक दफ़ा एक जब वो आया दवाइयाँ बेचने वाला, उसमें डेट एक्सपायर हो रही थी, वो डेट ही ठीक कर दी उसने। अरे क्यों हमारे किसान को बेचारों को, किसानों को लूटने का छक्का ले रखा आपने जी, छोटे राम जी ने भैया फूकी थी। अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो सभी खुशहाल होंगे, छोटू राम के कारण मानो, अरे भोले किसान अपने आप को पहचान। मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसान हमारा अन्नदाता है, और ये हमारे किसानों के मसीहा को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ जी। भारती पेंटर जी, आपने बोला कि छोटू राम जी ने भैया फूकी थी, बिल्कुल वो आरती की भैया फूकी थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको पता था कि किसानों के बुर बता रहे हैं, अनपढ़ते थी, लैब अंगूठा टेक 1000 क्या क्या 2 0 और ला दी, कितने बन गए? वो बोला था अब तो ब्रैकेट में लिखो 1,50,000, लेकिन ओनली ब्रैकेट बंद, फिर करो साइन, फिर किस तरह कर लेगा उसमें 0 ला देगा, उसको लफ्जों में भी लिखो अंकों के साथ था जी, फिर कैसे कर लेगा गड़बड़ जी। भारती पेंटर जी, लेकिन किसानों का तो यही कहना है कि आरती और किसान, वो 2% जो उसकी कमीशन है, हम ये नहीं कहते, आरती का भी सोचना है, वो भी बच्चे पालेगा, लेकिन कुछ उस तरह से खाल ना पहले किसान ना, और किसान को चाहिए कि अपनी फसल का पैसा एडवांस में लेने की बजाय आरती से उसको डिपॉजिट कराए, बैंक आपको ब्याज देगा। और रहे सवाल जरूरत की, आधी रात में लिया जाके ATM का, किसी टाइम जाके काट ले, तो देखे किसी का क्या छोड़ने, लाला जी जरूरी करनी है, तेरा पीछा तेरा ओका तेरी मरोड़, पी पी नहीं सड़े तर कदे फोड़ जी। भारतीय पेंटर, तो इसलिए किसानों से मेरी गुजारिश कि वो अपने आप अवेयर हो और मेहरबानी करके अपने पैसे को डिपॉजिट कराएं बैंकों में,
ताकि बैंक का बिजनेस भी बने और आपको बजाय ब्याज देने के ब्याज मिले। मेरी यही मुझसे अपील है, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये हमारे किसानों के मसीहा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।